वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हो इस तरीके की बजट फ्रेंडली इफ्तार रेसिपीज, पोटैटो पिनव्हील बहुत ही यम्मी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्विक एंड सिंपल तुम्हें इफ्तार स्नैक है, इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच आउट कर लीजिए, चेक कीजिए इसकी क्रिस्पनेस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस, सब लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी अभी से कर दीजिए लाइक और अपने कॉमेंट्स जरूर से बताइएगा। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा डो पिनव्हील के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप उतना मैदा, इसको अच्छे से सीव कर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑफ सोजी, जो घर में बारीक सोजी यूज करते हैं वही है, उसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून उतना सॉल्ट। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद इसी में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से क्रम्बल होने तक आटे को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसी में नॉर्मल रेगुलर वाला पानी ऐड करते हुए, न ज्यादा सॉफ्ट न ज्यादा हार्ड, सेमी सॉफ्ट डो हम नीड कर लेंगे। सॉफ्ट डो मैंने यहाँ पर गून लिया है। अनदर बाउल ले लेंगे, इसमें हल्के से 1/2 टीस्पून उतना ऑयल ऐड कर देंगे और ऐसे ग्रीस कर देंगे, आटे को रेस्ट दे देंगे 10-15 मिनट्स के लिए। तो चलिए ऐसे करते हैं साइड। तो चलिए जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1/2 किलो आलू को अच्छे से बॉईल करके ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे जब हम स्पिन व्हील रोल्स बनाएंगे। तो इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून उतनी हल्दी, 1 टीस्पून उतना रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली है, उसी के साथ कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, उसी के साथ जाएगा चाट मसाला 1 टेबलस्पून, 1/2 टीस्पून उतना सॉल्ट, 1 टीस्पून उतना आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून उतना धनिया। इसी में हम ऐड कर देंगे फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली, तीखा आप अपने अंदाजे से कम या ज्यादा कर सकते हो। इसी में जाएगा 1/2 कप ऑफ हरा धनिया फाइन चॉप करके। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खट्टी मीठी हमारी तीखी मजेदार फिलिंग पिन रोल्स के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए मेरे आलू की फिलिंग भी यहाँ पर कम्प्लीटली रेडी है, इसे करते हैं साइड, चलते हैं अगली प्रोसेस के लिए। तो चलिए यहाँ पर रोलिंग बोर्ड पर हल्के से मैं मैदे को डस्ट कर लूंगी। मैदे को डस्ट करने के बाद 1/2 ऑफ द आटे का हम पोर्शन लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे, ज्यादा स्प्रिंकल नहीं करेंगे। चेक कीजिए इस तरीके से हल्के से रोटी की थिकनेस रखते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। ये यहाँ पर आप थिकनेस देख सकते हो, एक रोटी जितनी थिकनेस है। साइड्स को मैं हल्के से स्क्रेप कर लूंगी, इसे फिर से रीयूज कर सकते हैं। साइड्स को फर्स्ट हटा लेंगे। तो चलिए हम पोटैटो की फिलिंग इसमें स्प्रेड करेंगे। उसके लिए मैंने हल्के से फर्स्ट मैदे को नीचे की तरफ डस्ट कर लिया है इस तरीके से। हाथ में थोड़ा थोड़ा पोटैटो का पोर्शन लेंगे, जैसे हम एक पैटी या तरीके से प्रिपेयर करते हुए रखते जाएंगे उस तरीके से हम प्लेस कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से इवनली प्लेस भी हो जाएगा, हल्के से जेंटल हाथों से प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लेंगे। ऐसे ही देख सकते हो आप, हल्के से इस तरीके से आलू की फिलिंग को लेंगे, हल्के हाथों से जेंटली प्रेस करते हुए इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अगर चिपक रहा आपके हाथों में तो हल्के से ऑयल या पानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एकदम बढ़िया तरीके से पिनव्हील्स हमारी तैयार होंगी। अगर आप आटे की परत ही मोटी रखोगे तो अंदर से आटा पिनव्हील्स हमारे कच्चे रह जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर फिलिंग मैंने ऐड कर दी है, हल्के से जैसे हम स्विस रोल बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे लिफ्ट करते हुए रोल कर लेंगे, आप टर्न कर लेंगे, आप देख सकते हो इजीली ये हल्का सा एक जेंटल प्रेस दीजिए, देखिए एजेस को हल्के से पुश करके इस तरीके से हम सील कर लेंगे। तरीके से हमारे पिनव्हील्स कट के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब आती है इसकी कटिंग की बारी, मैं आपको एक पीस नाइफ से कट करके भी दिखा दूं, आप चेक कर सकते हो उतनी बढ़िया तरीके की नहीं आती है। अगर आप चाहते हो कि बढ़िया एकदम बाजार जैसी कटिंग आपके पिनव्हील्स में आए तो मैं यहाँ पर इस तरीके के थ्रेड का यूज कर रही हूँ जो रेगुलर घर में अवेलेबल होती है। स्विस रोल के नीचे से लेंगे इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हुए, जितना जितना पोर्शन आपको चाहिए उस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, कितनी बढ़िया खूबसूरत तरीके से बनाया है। आप नाइफ वाला भी आप चेक कर सकते हो, बहुत इजी बहुत सिंपल है। लिफ्ट करते हुए इस तरीके से नीचे के पोर्शन में रखेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड को पुल करते हुए ईजीली कट कर लेंगे। आसानी से बहुत ही झटपट ये आपकी पिनव्हील्स बनकर तैयार हो जाएंगी। देख सकते हो कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे पिनव्हील्स पर, चेक कीजिए
इस तरीके से जब जिस भी प्लेट पर आप रिमूव करे हो उस पर हल्के से मैदा डस्ट कर लीजिएगा। एक एक पिन व्हील उठाएंगे, हल्के से जेंटल प्रेस देते हुए चेक कीजिए। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर सारे पिन व्हील्स हम प्लेस कर लेंगे। इसी तरीके से बहुत ही झटपट इजी बजट फ्रेंडली इफ्तार स्नैक है ये। चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर पिन व्हील्स बनकर तैयार, ऐसे ही सारे प्रिपेयर कर लूंगी। तो चलिए हमारी पिन व्हील्स भी तैयार है। इसकी कोटिंग के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबलस्पून उत्तम मैदा, इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, इसी में ऐड कर दूंगी 1/4 कप ऑफ उतना पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसी कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर होना चाहिए। 1/1 स्प्रिंग रोल लेंगे हम इस तरीके से कॉर्नफ्लावर की स्लरी में मिक्स ऐड करते हुए, डिप करते हुए इसको मीडियम हॉट ऑयल में ऐड कर देंगे। आप देख सकते हो बबल्स एकदम से नहीं आ रहे हैं, हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बस इतनी हीट काफी है हमारे बैटर के लिए। इसी तरीके से हम सारे पिन व्हील्स को प्लेस कर लेंगे वन आफ्टर द अदर। एक्सेस फिल नहीं करेंगे, जितने आपके कढ़ाई में या पैन में आ रहे हैं बस उतने ही ऐड करते हुए जाएंगे। चेक कीजिए हल्के से 2 मिनट्स हो चुके हैं। इस पॉइंट पर साइड्स को हल्के से चेंज करते हुए जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर ही सारे पिन व्हील्स को हम फ्राई कर लेंगे बढ़िया सा खूबसूरत कलर आने तक। तो चलिए अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं हमारे पिन व्हील समोसा को फ्राई होते हुए। हल्के से वन बाय वन हम इस तरीके से ऑयल को, एक्सेस ऑयल को रिमूव करते हुए निकाल लेंगे। ये बढ़िया शानदार से झटपट बनने वाला स्नैक मिनटों में बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारे फ्राई अप कर लेंगे। तो लीजिए भी बढ़िया शानदार डिलीशियस है यहाँ पर पोटैटो पिन व्हील रोल्स मिनटों में बनकर तैयार हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी, बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत ही खुशी से इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। चेक कीजिए इसकी फिलिंग बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये तो नहीं कहूँगी कि ये फ्रीज मेक एंड फ्रीज वाली रेसिपी है, क्विक इजी सिंपल टू मेक इफ्तार स्नैक है। ऐसे रमजान में ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन हिट कर दीजिए। एकदम बजट फ्रेंडली बहुत ही बढ़िया डिलीशियस इफ्तार स्नैक है। आप इफ्तार पार्टीज में इसको बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हो। बहुत ही मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही डिलीशियस मेनू ये बनकर तैयार होता है। इस पिज्जा कपकेक्स को इस इफ्तार अपने रमजान पार्टीज में जरूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यम और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बच्चों के साथ बड़ों भी बहुत ही ज्यादा इसको एंजॉय करते हैं। तो चलिए देर किस बात की, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा जिसको फाइन चॉप करके लिया है। तो चलिए इसकी प्रोसेस चेक कर लें। ये मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, इस पैन में ऐड कर दूंगी हल्के से जस्ट 1 टेबलस्पून उतना ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर ऑयल अच्छे से हीट अप हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना गार्लिक का पेस्ट। इसे हल्के से 30 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर सॉटे कर लेंगे ताकि रॉ स्मेल गार्लिक की चली जाए यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर गार्लिक अच्छे से हो चुका है सॉटे। इसमें ऐड कर दूंगी जो बोनलेस चिकन मैंने लिया था उसको 200 ग्राम। इसका कलर चेंज होने तक हम हल्के से इसे कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर रखकर ही। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेगा। भुनाई में ही ऑलमोस्ट हमारा चिकन कुक हो जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे शरीफ पीसों में मैंने यहाँ पर इसे कट किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, कुक होते हुए 3 मिनट्स हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना सॉल्ट, उसी के साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून उतनी टर्मरिक, 1 टीस्पून इतना चिली फ्लेक्स बढ़िया से फ्लेवर के लिए। उसी के साथ ऐड कर दूंगी कश्मीरी रेड चिली 1/2 टीस्पून, उसी में जाएगा 1/2 टीस्पून इतना गरम मसाला। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद देंगे अच्छा समय और हल्के से लो फ्लेम पर मसालों को ऐड करने के बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से भून लिया है चिकन को। इस पॉइंट पर ऐड कर दूंगी 1/2 कप उतना पानी, चाय के कप से शदीद 1/2 कप उतना पानी ऐड किया है। बस हल्के से मीडियम फ्लेम पर रखकर जब तक पानी अच्छे से ड्राई अप ना हो जाए 4 to 5 मिनट्स के लिए हम कुक कर लेंगे चिकन को मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर मसाला अच्छे से ड्राई अप हो चुका है। थोड़ा बहुत मसाला अभी भी बाकी है, फ्लेम को हाई कर लेंगे और मसाले को ड्राई कर लेंगे। इसी में मैं ऐड कर दूंगी, ऑलमोस्ट मसाला ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है, 2 टेबलस्पून उतना दही स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए। उसी के साथ ऐड कर दूंगी 1/2 लेमन का जूस। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छा सा एक मिक्स देंगे और हाई फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को ड्राई अप कर लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से। बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही टेस्टी कपकेक्स, पिज़्ज़ा कपकेक्स बनकर आपके तैयार होंगे। चलिए यहाँ पर मसाला कम्प्लीटली, जो हमने दही और लेमन ऐड किया था कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। मसाला स्पाइसेस ड्राई अप हो चुके हैं, इसमें ऐड कर दूंगी 1 मीडियम साइज ऑनियन फाइन चॉप करके
उसी के साथ ऐड कर दूंगी ग्रीन बेल पेपर फाइन चॉप की हुई 1 मीडियम साइज की, उसी के साथ रेड बेल पेपर मैं 1 फाइन चॉप किया हुआ, और येलो बेल पेपर। बेल पेपर्स आप अपनी मर्जी के ले सकते हो, आप ग्रीन से भी काम चला सकते हो। तो देंगे एक हल्का सा मिक्स, बस 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसे मिक्स करके छोड़ देंगे। कम्प्लीटली हमारी रेसिपी डन है। तो चलिए यहाँ पर बढ़िया सा हमारा चिकन कपकेक्स की रेसिपी यहाँ पर कम्प्लीटली डन है। देख सकते हो बढ़िया मजेदार एकदम डिलीशियस यम रेसिपी बनकर आपकी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसके लिए ब्रेड के कट आउट कर लेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाउंड उतना ब्रेड, 15 to 20 पिज्जा कपकेक्स आपके इजीली इससे बन जाएंगे। मैं लूंगी एक ब्रेड की पीस इस तरीके से, आपके पास कपकेक के मोल्ड्स हो तो उसको यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कैप, किसी भी टिफिन का या बाउल का, किसी भी कुकी कटर आपके पास है तो बढ़िया है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हल्के से जेंटल प्रेस दूंगी और इस शेप का मैं यहाँ पर कट कर लूंगी। देख सकते हो आप इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से राउंड शेप्स में मैं सारे पर ये ब्रेड के साइड्स हैं। मैं इसका क्रम्स तैयार कर ली हूँ, ग्राइंडिंग जार में ऐड करके फाइन सा पाउडर बना लेंगे, फिर हम इसमें पैन में सुखा लेंगे ताकि ये अच्छा सा लॉन्ग लाइफ शेल्फ इसकी हो जाए। आप पैन में सुखा लें या तो फिर आप धूप में भी इसको सुखा सकते हो, हाफ एन आवर के लिए ये अच्छा सा कड़क हो जाएगा। आप स्टोर करके इजिली अगली रेसिपीज में, चिकन पैटीज में, किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप उतना पिज्जा, कर लेंगे इस तरीके से। हम एक बार मोल्ड में ऐड कर देंगे तो स्प्रेड करना टफ होगा, इसीलिए मैं अच्छे से पिज्जा की सॉस को, होममेड पिज्जा सॉस का भी आप यूज कर सकते हो, ये मार्केट की पिज्जा सॉस मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से फोल्ड्स करेंगे ऑल द 4 साइड्स, इजीली इस तरीके से प्लेस कर देंगे अंदर की तरफ। आप देख सकते हो, देख लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से सारे मोल्ड्स में कपकेक्स के मैंने फिल कर लिया। अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड या सांचा ना हो तो आप इस तरीके के बाउल्स का भी यूज कर सकते हो, कटोरी इजीली सबके घर में अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से ब्रेड लीजिए, उस पर स्प्रेड कर दीजिए हल्के से पिज्जा सॉस को, इसी तरीके से हल्के से प्रेस देते हुए जेंटली इसमें प्लेस कर लेंगे। आप इसे इडली मेकर में भी रख सकते हो बढ़िया तरीके से। 1 टेबलस्पून एक्सेस फिल नहीं करें हैं हम चिकन की फिलिंग को, 1 टेबलस्पून लेंगे, हल्के से जेंटल प्रेस देते हुए नीचे की तरफ फिल कर लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से सारे कपकेक्स में इसी तरीके से आपको फिल करना है, क्योंकि हम ऊपर से चीज़ भी ऐड करने वाले हैं इसमें, तो जेंटल प्रेस देते हुए इसे फिल कर लेंगे। ये मोजरेला चीज़ जेंटल प्रेस देते हुए ऐड कीजिएगा ताकि ऊपर से वो स्प्रेड ना हो, चीज़ जैसे ही मेल्ट होगी तो ऊपर से स्प्रेड हो जाएगी, तो इसीलिए हल्के से हल्के हाथों से प्रेस देते हुए इस तरीके से सारे कपकेक पिज्ज़ा कपकेक्स के अंदर मैं चीज़ को फिल कर लूँगी। ऐड करने के बाद हल्के से थोड़े से टॉपिंग्स में ऐड कर दूँगी कैप्सिकम्स सारे कलर्स के, अगर आपके पास ऑलिव्स हो तो आप उसका यूज़ कर लीजिएगा, ये बढ़िया कलरफुल लगेगा, बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। सारे पिज्ज़ा कपकेक्स में मैंने बेल पेपर्स भी ऊपर से अरेंज कर लिए हैं। तो चलिए इसे बेक कर लें एक कढ़ाई में या प्री हीटेड पॉट में। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक पॉट को प्री हीट कर लिया है 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैं प्लेस कर लूँगी हमारे पिज्ज़ा वाले कपकेक्स इजीली। तो चलिए मैंने इसमें प्लेस कर दिया है, इस पर जब तक चीज़ हल्के से मेल्ट ना हो लिड को कवर कर लेंगे। लो फ्लेम पर रखकर 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम इसे कुक होने देंगे जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, मैंने इडली का सांचा भी ले लिया है, उसमें भी आप बना सकते हो। इस तरीके से मैं बाउल्स को प्लेस कर लूंगी, हीट लो पर रखेंगे बिल्कुल कंप्लीटली। देख सकते हो आप इस तरीके से मैंने 5 का सेट है, बस 4 ही ऐड किए हैं। इसे भी लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे 15 मिनट के लिए जब तक अच्छे से चीज मेल्ट ना हो जाए। लीजिए शानदार डिलीशियस चीज़ी कपकेक पिज़्ज़ास बनकर तैयार हैं मिनटों में, बहुत ही चीज़ी बहुत ही यम। चलिए मैं आपको एक बता दूं, पीस ब्रेक करके भी बहुत ही चीज़ी बहुत ही यमी, देख सकते हो आप बहुत ही कोई कितना चीज़ी पिज़्ज़ा कपकेक्स यहाँ पर बनकर तैयार।